टेडेक्स की ओर से जो ये रखा गया प्रोग्राम, इसका टॉपिक है कि बैक टू स्केल वन। तो दिल्ली के अंदर जो है हेल्थ सेक्टर के अंदर जो कुछ बैक टू स्केल वन पे वापस जाने की जो हमने काम किए हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। जैसे हमारी सरकार बनी तो हेल्थ सेक्टर को जब चेक किया गया, देखा गया, तो सबसे ज्यादा जो पूरे गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर है तो सबसे ज्यादा जो ध्यान था वो था टर्शियरी केयर के ऊपर। हॉस्पिटल्स में भी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बीमारी पे तो ध्यान था पर जो बीमारी बड़ी होने से पहले की स्टेज होती है उस पर ध्यान कम था। मुझे बचपन में ध्यान है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर डॉक्टर के पास जाते थे तो वहां पर एक डॉक्टर होता था, एक कंपाउंडर होता था, तो वही टीम होती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में देखने चले, सबसे पहले मैं डिस्पेंसरी में गया तो उस डिस्पेंसरी में डॉक्टर तो एक ही थे पर स्टाफ 18 लोगों का था और वहां पर टेस्ट के लिए भी दो लैब के लोग भी थे पर टेस्ट नहीं होते थे, कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई सामान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दवाइयां मिलनी चाहिए थी सारी मिलती नहीं थी। तो मैंने देखा कि भाई आपने सिस्टम को तो इतना लंबा चौड़ा फैला दिया पर जो बेसिक चीजें वो अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल्स में आप जाइएगा तो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है और ज्यादा भीड़ जो एडमिट होने वालों की नहीं है, ज्यादा भीड़ उन लोगों की है जो ओपीडी में आए दिखाने के लिए आए। उसको जब देखा गया ओपीडी के अंदर देखा गया तो पेशेंट्स सरकारी अस्पताल में आते हैं दूर दूर से आते हैं, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर। हॉस्पिटल आने के लिए अकेला पेशेंट नहीं आ सकता, उसको साथ में एक या दो लोग सही साथ में चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होता है, आने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन लगती है, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन है और डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख दिए तो टेस्ट अब अगले दिन आके कराइएगा, कुछ दिन का टाइम तो खत्म हो गया। अगले दिन टेस्ट कराएंगे तो उससे अगले दिन आने के बाद रिपोर्ट लीजिएगा, फिर डॉक्टर साहब को दोबारा दिखाइएगा, फिर वो कोई दवाई लिखेंगे। तो वो क्या रहा था कि पेशेंट को 2 दिन या 3 दिन एक छोटी सी बीमारी के लिए भी 2-2 दिन देने लगते थे। तो हमने सोचा कि इन चीज़ों को सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते, रादर देन के पेशेंट हॉस्पिटल तक आए हम क्यों नहीं ये हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर पेशेंट के पास ले जाए। तो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट हमने ईजाद किया कि मोहल्ला जो आपका नेबरहुड है उसी के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक बना दिया जाए और उसके 3 प्राइमरी हमने मोटिव रखे। वो था, फर्स्ट था एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, सेकंड डॉक्टर साहब जो मेडिसिन देखे दवाई वहीं पर मिल जाए और थर्ड टेस्ट होने चाहिए जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी ये था कि नॉर्मली 10-15 टेस्ट नॉर्मली लिखते हैं बट हमने 10-15 पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने 212 टेस्ट की लिस्ट बनाई। कई लोगों को कहना रहता टेस्टों की जरूरत नहीं है, हम भी मानते नहीं है बट कई बार सिर्फ एक टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर को फिर से हॉस्पिटल भेजना पड़ता था, तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखे। 130 मेडिसिन हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए चाहिए वो मिलती हैं वहाँ पर और 212 टेस्ट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया जुलाई 2016 में पहला मोहल्ला क्लिनिक बना, उसके बाद वो कुछ महीने चलाया गया, फिर 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए कि सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को चेक करने के लिए और उसको फर्दर आज की डेट में 189 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का हमारा टारगेट है और 350 अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम पर और पूरी आशा है कि हम जल्द से जल्द 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे करेंगे। अब मोहल्ला क्लिनिक से सोसाइटी पे फर्क क्या पड़ा, जिस एरिया के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले तो वहां के जो लोकल रेजिडेंट थे वो पैदल, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने हैं तो पैदल आने लगे। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं उसमें 40% पेशेंट ऐसे हैं जो पहली बारी किसी गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में गए, उनके इंटरव्यू किए गए, भाई आप गवर्नमेंट में पहले क्यों नहीं जाते थे, तो 2 रीजन पता लगे, पहला कि घर के आसपास कुछ है नहीं गवर्नमेंट का, दूसरा कहते हैं भीड़ बहुत होती है, तीसरा ये भी था कि जाओ तो दवाई तो मिलती नहीं है तो फिर जाने का फायदा क्या है। अब घर के सामने हो गया, दवाई भी मिलती है, डॉक्टर भी मिलते हैं। एक तो छोटे छोटे शेयर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपको, एक मेरी फ्रेंड है उनकी बेटी को प्राइवेट डॉक्टर के पास गई तो उसको काफ़ी सारे टेस्ट लिखे गए, आजकल नेट पे चेक कर लेते हैं क्या कॉस्ट है, उसने चेक की 4000 रुपये के टेस्ट थे।
उन्होंने फादर से कहा कि 4000 रुपये दे दीजिएगा। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर जाके चारा करा लो। तो बेटी कहते मैं मोहल्ला क्लिनिक में जाऊँगी क्योंकि अपर मिडिल क्लास से है ना। तो फादर ने कहा फिर ट्राई कर लो, नहीं तो फिर पैसे ले लेना। वो लड़की मोहल्ला क्लिनिक में गई, सारे टेस्ट कराए। आने के बाद पापा ने पूछा भी टेस्ट ठीक हो गए? कहते नहीं पापा, डॉक्टर बड़ी अच्छी थी, तो बोले कंसल्टेशन भी साथ में मिल गई। तो इस तरह से लोगों को फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस मिलने स्टार्ट हुए तो उसके वर्ड ऑफ माउथ से तो काफ़ी लोगों को पता लगने लगा कि मोहल्ला क्लिनिक में जा सकते हैं। आज एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पीरागढ़ी कैंप के अंदर झुग्गी बस्ती है, वहाँ पर हमारा मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ के डॉक्टर एक बार मुझसे मिलने आए, तो आई थॉट कि भाई वहाँ पर कुछ कमियाँ होंगी तो उन कमियों को बताने के लिए आई होंगी। बट उन्होंने जो कमियाँ बताई, कहते सर वहाँ पर शाम को शराब बिकती है, सर उसको किस तरह बंद करा दो। तो इसका मतलब सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट की बात भी हो रही है कि क्योंकि शराब की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। तो कहते शराब को अगर बंद करा दें तो मुझे लगता है हमारी मेहनत कम हो जाएगी। दूसरा, लोगों को लगा कि भी गवर्नमेंट सिस्टम में होता क्या है कि आप अस्पताल में जाएंगे, आज गए एक महीने बाद जाइएगा, दो महीने बाद जाइए, हर बार डॉक्टर चेंज हो जाता है, आप सेम डॉक्टर दिखाई नहीं सकते। मोहल्ला क्लिनिक में वही डॉक्टर है, तो हर बार वही डॉक्टर मिल रहे हैं, तो आपका आपस में बॉन्डिंग बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया तो एक प्रेग्नेंट वीमेन डॉक्टर को दिखाने आई हुई थी, तो उसने डॉक्टर ने उसकी सास को साथ में बुलाया था। तो उसको कहती है कि देखो आपकी जो डॉटर इन लॉ है शी इज एक्सपेक्टिंग, इसको तंग नहीं करना। तो उसको बुला के उन्होंने डांटा समझाया कि भाई इसको कैसे करना है। तो मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और मोहल्ला क्लिनिक प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए दिल्ली सरकार का एक इनिशिएटिव है बैक टू स्क्वायर वन। उसके अंदर हम एक काम और भी करते हैं, जैसे अगर अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे कराना है, अब मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत छोटी सी बिल्डिंग है, छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर वो नहीं हो सकते हैं। बट हमने डॉक्टर को एम्पावर किया है कि फॉर्म भर के देते पेशेंट को, तो प्राइवेट से जाके करा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आके रिपोर्ट अपने दिखा दीजिएगा। तो मतलब एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन हमारे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जीबी पंत के डॉक्टर्स के साथ, उनसे वो कंसल्टेशन करते रहते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट भेज देते हैं कि सर इसके ऊपर बताइए क्या करना है, और सारे ग्रुप में सभी डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, तो उनको पता लगता है कि भैया इस तरह बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनकी जब डायबिटीज चेक की गई, शुगर चेक की गई, तो 350 थी, आज तक चेक ही नहीं कराया। तो जो हम बाद में ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसको अगर इनिशियल लेवल पर रोक लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी मैं एक डायलिसिस सेंटर में स्टार्ट किया, उसके इनॉग्रेशन में गया तो 10 पेशेंट थे वहाँ पर उस टाइम पर, सारे के सारे पेशेंट 40 ईयर से कम एज थी, ऑल 10। चार रीजन सबसे बड़े निकले, पहला डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, दर्द की दवाइयाँ लोग खाते रहते हैं, और चौथा के प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं। दो बच्चे थे 20-20 साल के जिन्होंने जिम जाते थे और जिम में वो आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट खिलाते हैं, तो उसके खाने से उनकी किडनी फेल हो गई, बिल्कुल दोनों किडनी खराब हो चुकी है, डायलिसिस पे आना पड़ा। अगर ये चीज़ हम प्राइमरी सेंटर में वो जाते, डॉक्टर से पूछ सकते थे, सलाह ले सकते थे कि भाई मैं खाऊं या ना खाऊं, सेल्फ मेडिकेशन की बजाय अगर दर्द है तो डॉक्टर से पूछ के दवाई लेते तो उनकी किडनी फेल नहीं होती। डायबिटीज अगर टाइम से पता लग जाती, हाइपरटेंशन का टाइम से पता लग जाता तो हमारे को डायलिसिस के ऊपर नहीं जाना पड़ता। आज देखिएगा एक महामारी की तरह से फैल रही है इस तरह की बीमारियां, तो उनको इनिशियल लेवल पर रोकना बहुत जरूरी है। लोगों को प्राइमरी लेवल पर जब थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर की इंटरवेंशन की जरूरत अगर पड़ती है तो जाने की ऑप्शन होनी चाहिए। हम मोहल्ला क्लिनिक में अभी तक लगभग 10 मिलियन 1 करोड़ लोगों को, पेशेंट्स को देख चुके हैं, 1 करोड़ पेशेंट को देख चुके हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल बाकी हमारे जो हेल्थ सिस्टम चल रहा है उससे बेटर सेटिस्फेक्शन लेवल है। इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ हमने कई इनिशिएटिव और भी स्टार्ट किए हैं, बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, बेसिक इनिशिएटिव्स हैं। जैसे एक इनिशिएटिव है, अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी रोड एक्सीडेंट होता है, एनीवन,
और उसको किसी भी अस्पताल में लेके जाते हैं तो उसके इलाज का खर्चा, उसके जीवन बचाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है 100%। किसी भी प्राइवेट में लेकर जाए, सरकारी में लेकर जाए, ये हमने कर दिया है। इसके साथ साथ अगर जो पेशेंट को जो सड़क एक्सीडेंट में घायल है, घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसको 2000 रुपए का इनाम भी देते हैं हम लोग कि उसको जल्द से जल्द लेकर आए। ये भी हमने लागू कर दिया है। बहुत छोटे से इंटरवेंशन है बट लगता है छोटी सी बात है, उससे लोगों की जान बच जाती है। और हमारा टारगेट ये है कि अगर पूरी इनिशिएटिव से साल में 100 लोगों की जान बचती है, 200 लोगों की जान बचती है, मतलब 2 की भी बचती है तो हम इसमें सफल रहेंगे। इसी तरह से हमने क्या किया, जो हाई एंड रेडियोलॉजी टेस्ट हैं जैसे MRI है, सिटी स्कैन है, पेट स्कैन है, पेट स्कैन तो सिर्फ 25,000 में होता है, सभी हाई एंड रेडियोलॉजी टेस्ट दिल्ली की पूरी जनता के लिए, गरीब है या अमीर है, हमने सबके लिए मुफ्त कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आप जाइएगा, पॉलीक्लिनिक में जाइएगा, अगर डॉक्टर साहब ने आपको कोई भी रेडियोलॉजी टेस्ट लिखा है तो दिल्ली में 100 से ज़्यादा प्राइवेट लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाके आप फ्री में करा के आइएगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कर चुके हैं। और ये भी 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की हम करवा चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो जनता ने एडवांस में दिया है, पीपल और हैव ऑलरेडी पेड इन टैक्सेस, लोग टैक्स के रूप में पहले से पैसा एडवांस में दे चुके हैं। एक इशू इसमें ये भी आता है बार बार, लोग कहते हैं कि जो अब हेल्थ सर्विसेज हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए देनी चाहिए सरकार को, इससे मेरी और मेरी सरकार की सहमति नहीं है। हेल्थ सर्विसेज हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए होनी चाहिए, गरीब है या अमीर है, जो भी हमारे सिस्टम में आए उसको देनी चाहिए। जैसे कि MRI सिटी स्कैन वाली स्कीम थी, इसमें बड़ा झगड़ा हुआ था हमारा केंद्र सरकार के साथ, कहते भी आप सिर्फ गरीबों के लिए दीजिएगा, हमने कहा भाई गरीब कौन होता है, दो ही तरह के लोग हैं, एक गरीब है जिसको जरूरत है, दूसरा वो है जिसने ऑलरेडी एडवांस में पे किया है, तो जिसने पे किया है उसको देने से हम सर्विसेज मना नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार का ये मानना है कि हेल्थ सर्विसेज प्राइमरी से लेकर टर्शियरी तक दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए सबको मुफ्त मिलने चाहिए और क्वालिटी हेल्थ केयर मिलने चाहिए। एक इनिशिएटिव हमने और स्टार्ट किया है, अगर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आप जाते हैं और डॉक्टर साहब आपको कहते भी ऑपरेशन कराना है तो आप कहेंगे कर दीजिएगा, अगर वो ऑपरेशन 1 महीने में हो जाए तो ठीक है, अगर 1 महीने से बाद की डेट आपको मिलती है तो ऑपरेशन भी हम प्राइवेट में करा के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। और उसमें ये भी नहीं पूछते कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी गरीब और अमीर की। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते रहते हैं कि आपने एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि आयुष्मान भारत में आपने एड ऑन क्यों नहीं किया, जब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ फ्री है और सबके लिए फ्री है तो सरकारी अस्पतालों के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सबके लिए अगर आप कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का, तब होता है अगर प्राइवेट में करा रहे होते आपके पास नहीं होती कोई चीज, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, दिल्ली वालों के अलावा हम तो दिल्ली से बाहर वालों के लिए भी कर रहे हैं। एक डाटा छोटा सा और शेयर करूंगा मैं आप लोगों से, जब हमारी सरकार बनी थी 3,30,00,000 33 मिलियन OPD हमारे पूरे दिल्ली सरकार के हेल्थ सिस्टम में हुआ करती थी, इस साल चौथे साल में ये डबल होने जा रही है 6 करोड़ से भी ज्यादा। तो इतना बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे लगता है पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में कहीं नहीं हुआ होगा। और इतने ज्यादा लोग अगर हेल्थ सिस्टम की तरफ आ रहे हैं तो रीजन एक ही है कि दे आर सेटिस्फाइड। एक हमने जितने भी हमारे अस्पताल हैं, जितनी भी डिस्पेंसरी हैं, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, सभी जगह पिछले 3 साल से हमने सारी दवाइयां मुफ्त की हुई हैं और 100% अवेलेबिलिटी हम इंश्योर करते हैं और करके दिखा दिया है हमने कि सभी दवाइयां सभी अस्पतालों में फ्री मिलती और मिलती हैं, ये सिर्फ कहा नहीं जाता है, उनको हम देते हैं। ये बेसिक चीज़ें लगता है कि भाई बड़े बड़े काम तो हो ही जाएंगे, छोटे छोटे काम रह जाते हैं। तो हमने छोटे बैक टू स्केयर वन जो आपने टॉपिक रखा है बिल्कुल दिल के करीब वाली बात है कि हमने बेसिक चीज़ें सबसे पहले जरूर करनी चाहिए कि अगर अस्पताल में पेशेंट गया, डॉक्टर साहब ने 10 दवाइयाँ लिखी, आप 2 दे दें उससे काम नहीं चलेगा, 10 की 10 दवाइयाँ मिलनी चाहिए। तो सारी सी दवाइयाँ, टेस्ट, कंसल्टेशन, सभी चीज़ें सभी लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं और जो भी सुझाव हमें इस तरह के मिलते हैं उसको हम आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।